नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दो दिन पहले जो है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड 3 एग्जाम के लिए जो है एडमिट कार्ड है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अभी तक ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपना ग्रेड 3 का जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर लिया है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग है जो मुझे कॉमेंट करे कि उनका जो एडमिट कार्ड है उनके डिटेल्स पर जो है कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है, उनके जो नाम पर कुछ मिस प्रिंटिंग, स्पेलिंग पर कुछ जो है गलत लिखा हुआ है, इसके बाद उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उस पर भी कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है, उनका जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो एडमिट कार्ड पर जो है लिखा नहीं है, कुछ गलत वहां पर जो प्रिंट हुआ है। तो अगर आप लोगों के भी एडमिट कार्ड पर कुछ ऐसा मिस प्रिंट हुआ है, अगर आपके नाम के स्पेलिंग पे कुछ गलत प्रिंट हुआ है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ पे कुछ गलत प्रिंट हुआ है, अगर आपका उस पे जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिखा नहीं है, तो आप लोगों को जो है टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को इसका जो है सोल्यूशन बताऊंगी कि कैसे आप लोग क्या करना है। तो आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों चलिए ज्यादा टाइम का खत्मा ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए अभी आप लोग क्या करना है, अगर आप लोगों को भी ग्रेड 3 का एडमिट कार्ड पर कुछ ऐसा मिस प्रिंट वगैरह हुआ है, कुछ गलत यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ आया है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग जब 15 सितंबर को एग्जाम देने जाओगे, ग्रेड 3 का जब एग्जाम देने जाओगे, तो वहां पर जाने के बाद वहां पर जो आपका एडमिट कार्ड जहां पर चेक होगा, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर चेक होने के वक्त आपको वहां पर दिखाना है कि आपका जो एडमिट कार्ड पर जो मिस प्रिंट हुआ है वहां पर, अगर आपका नाम मिस प्रिंट हुआ है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिस प्रिंट हुआ, गलत लिखा हुआ आया है, तो वो आप लोगों को उनको जो है बताना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक गवर्नमेंट आईडी जो उसको कैरी करके लेके जाना है, गवर्नमेंट आईडी लेके जाना है, वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, इसके बाद पासपोर्ट, इसके बाद वोटर आईडी, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो है गवर्नमेंट आईडी लेके जाना है एंड वहां पर आप लोगों को उनको दिखाना है जो हमारे गवर्नमेंट आईडी पे जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद एक्चुअल नेम जो है वही वहां पर है, तो आपको वो बताना है कि उसको श्योरिटी देना है कि वहां पर आपका जो नेम है वही आपका एक्चुअल नेम, इसके बाद एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, तो वो आप लोगों को जस्ट वहां पर दिखाना है। तो जैसे आप लोग वहां पर वो दिखाओगे, तो दिखाने के बाद आप लोग बहुत ही इजीली वहां पर एंटर कर जाओगे, वहां पर आप लोग बहुत ही इजीली अपना जो ग्रेड 3 का जो एग्जाम है वो दे पाओगे। तो यहां पर कुछ टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग को जस्ट वहां पर जाना है, जाने के बाद आपको एडमिट कार्ड जो है उसको चेक करना है, कराने के बाद साथ ही साथ आपको वहां पर एक गवर्नमेंट आईडी देना है, गवर्नमेंट आईडी देने के बाद वहां पर आपको जो दिखाना है, तो आप लोग को उनको बताना है कि यहां पर आपका जो है मिस प्रिंट हुआ है, आपके एडमिट कार्ड पर जो मिस प्रिंट वगैरह हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का होता है, पहले भी जो एग्जाम हुए थे ग्रेड 3-4 का जो एग्जाम हुआ था वहां पर भी कुछ इस तरीके का जो प्रॉब्लम देखने को मिला था, तो वहां पर ऐसा कुछ बड़ी जो बात नहीं है, आपको जस्ट वहां पर उनको दिखाना है एंड बताना है कि आपको वहां पर मिस प्रिंट हुआ है, इसके बाद आप लोग जो है बहुत ही इजीली अपना जो एग्जाम है वो दे पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो है इन्फॉर्मेशन है काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द से इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।